नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का एक फिर नया आदेश जारी हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक अध्यापक आदेश देखें, क्योंकि ये प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सभी के लिए है और 30 जून तक एक कार्य करने के लिए इसमें समय सीमा दी गई है। तो आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र से नया आदेश जारी हुआ है। 10 जून को प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश और जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले मध्य प्रदेश, विषय एक परिसर एक शाला के अंतर्गत एकीकृत शालाओं के बैंक खातों के संचालन के संबंध में, संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का सम विषयक आदेश दिनांक 15/11/2019 लिखा है। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक आप देख पा रहे हैं, दिनांक 5/9/2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भ पत्र के द्वारा एक परिसर एक शाला में शाला प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी जारी निर्देश संलग्न है। परिशिष्ट आप वो भी देखेंगे हम कि कंडिका 6 में यह लेख किया गया है कि एकीकृत शाला की स्थिति में सबसे वरिष्ठ शाला का खाता रखा जाएगा, शेष संबंधित शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में जमा राशि को एकीकृत शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के बैंक खाते में अंतरित कर खाते बंद किए जाएंगे। दूसरा, ऐसी एकीकृत शालाएं जिनमें समान स्तर की शालाओं का विलय किया गया हो तो उक्त स्थिति में वरिष्ठ स्तर की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ही अस्तित्व में रहेगी तथा विलय की गई कम नामांकन वाली शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का खाता बंद किया जाकर वरिष्ठ स्तर की शाला के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। दूसरा, उक्त शासन आदेश के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जिन्हें एकीकृत शाला में सम्मिलित किया गया है उनके खाते में उपलब्ध राशि को दिनांक 30/6/2020 तक यानी 30 जून तक मुख्य शाला यानी एंकर शाला के खाते में अंतरित कर उन शालाओं का खाता संचालन बंद किया जाए। 17/2021 में राज्य शिक्षा केंद्र से जारी की जाने वाली समस्त राशियां मुख्य शाला के खाते में ही जारी की जाएंगी। तीसरा, कक्षा 1 से 8 की एक परिसर एक शाला की शालाएं के बैंक खाते का संचालन शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 12 तथा कक्षा 6 से 10 की एक परिसर एक शाला की बैंक खाते का संचालन शाला प्रबंधन समिति एवं विकास समिति के द्वारा किया जाएगा यानी SMDC। चौथा, उपरोक्त अनुसार व्यवस्था केवल एक परिसर एक शाला के लिए ही प्रभावशील होगी। शेष शालाएँ यथा कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 की शालाओं में बैंक खाते का संचालन संबंधित शाला को शाला प्रबंधन समिति के द्वारा पूर्व अनुसार ही किया जाएगा। पांचवा है, एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शामिल यानी मर्ज होने वाली शालाएं एवं अन्य शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को देखने पर वह पाया गया है कि कई शालाओं में आज पर्यंत राशियां लाखों में उपलब्ध हैं। प्रमुखता निःशुल्क गणवेश, साइकिल, बैंक ब्याज एवं कई बंद योजनाओं की राशि जिनका अब उपयोग नहीं किया जाना है, ऐसी राशियों को चिन्हित कर जिला शिक्षा केंद्र के समग्र शिक्षा पोर्टल के बैंक खाते में वापस बुलवाया जाए एवं SMC को ऑडिट में आ रहे अत्यधिक अग्रिमों को उक्त राशियों से समायोजित कराया जाए। अतः उपरोक्त अनुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक परिसर एक शाला में शामिल शालाओं के बैंक खाते का संचालन दिनांक 30 जून 2020 तक बंद करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। संलग्न संदर्भ पत्र लोकेश कुमार जाटा में आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र ने यह पत्र जारी किया, नीचे प्रतिलिपि भी दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एकीकृत शाला के पहले खाते उन्होंने कर लिए थे, उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके नहीं हुए उनको कराना पड़ेगा 30 जून के पहले। और दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र में एक एक दिन में दो दो तीन तीन आदेश जारी हो रहे हैं। इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।